Hello guys, welcome to our channel Education Tech. Today our new topic is section formula of coordinate geometry. आज हम बात करेंगे section formula के बारे में. Section formula होता क्या है? Important topic है इस chapter का. आप इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें से एक question जरूर आता है. और होता क्या है section formula, इसके बारे में हम discuss करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. Suppose करते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1 है एंड वी हैव वन मोर कोऑर्डिनेट x2 कोमा y2. इन दो कोऑर्डिनेट्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उस पर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट P है, P मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट x कोमा y है. तो ये जो पॉइंट P है वो इस AP लाइन सेगमेंट को कुछ पार्ट में डिवाइड करता है. ये जरूरी नहीं कि पॉइंट P मिड में आए, ये कहीं पर भी आ सकता है, इस लाइन सेगमेंट के लाइन सेगमेंट पर ही आएगा. तो ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, जिसकी वजह से ये इंटरनली सेक्शन होता है. इंटरनली सेक्शन क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट P है दैट लाई ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग कोऑर्डिनेट A एंड कोऑर्डिनेट B, इसीलिए इसको इंटरनल सेक्शन कहते हैं. एक एक्सटर्नल सेक्शन भी होता है, वो किस तरह से होता है वो भी देख लीजिए. सपोज करते हैं वी हैव वन कोऑर्डिनेट ए एक्स वन वाई वन, सेकेंड कोऑर्डिनेट बी एक्स टू वाई टू, एंड नाउ दिस टाइम पी पॉइंट इज लाइक आउटसाइड द लाइन सेगमेंट एक्स कोमा वाई. ये जो पॉइंट पी है ये इस ए बी लाइन सेगमेंट, ए और बी को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है, उसके बाहर कहीं ना कहीं पॉइंट है और ये भी इसको किसी ना किसी पार्ट से डिवाइड करता है जो m1 रेशियो m2 है. बट ये कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है तो आप इसे याद ना रखिए, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस. 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो हमारे इंटरनल सेक्शन ही आता है. और इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास. If we want to find the value of x coordinate, अगर हमें इस x की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. For similarly for y, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. याद रखने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, 1 2 plus 2 1 and upon, for example you can also write 1 into 2 plus 2 into 1 upon 1 plus 2. या फिर this m1 will multiply with x2. अगर आप इसको m1 मानते हैं तो that definitely this will x2. अगर आप इसे m1 मानते हैं तो ये x1 हो जाए, x2 हो जाएगा. अगर ये आप इसको m1 मानते हैं तो this will your x2, m1 x2, बीच में plus का sign. क्यों प्लस इसलिए आया क्योंकि ये पॉइंट P है वो इसी लाइन सेगमेंट पर है, इसीलिए यहाँ पर प्लस का साइन आया. 2 इंटू 1 इट मींस m2 x1, m2 को x1 से मल्टीप्लाई किया और हमेशा नीचे m1 प्लस m2 आएगा. x की बात करते हैं तो सिर्फ सब कुछ x की फॉर्म में चलेगा. ये फॉर्मूला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है. आप इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, px comma y is equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Also you can write this formula such like that. अब हम इस पर कुछ questions करते हैं जिससे ये थोड़ा और clear हो जाएगा कि होता क्या section formula और किस तरह से हमें question, इसके question मिलेंगे, किस तरह से हमें value put करनी है. So have a look. सपोज करते हैं हमारे पास एक कोऑर्डिनेट ए है जो 3,4 है एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज बी -2,7. वन पॉइंट पी लाई ऑन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी दैट इज डिवाइडिंग दिस लाइन सेगमेंट बाय 3:2. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट m1 रेशियो m2 दैट इज 3:2. हमें गिवन है चार चीजें आपके लिए अननोन होंगी, उन चार में से अननोन में से तीन तो आपको गिवन होगी और एक चीज आपको फाइंड करनी ही होगी. यहाँ देखिए वन चीज, वन थिंग इज गिवन टू यू, सेकंड आल्सो गिवन टू यू,
third, it is M1, M2, that is also given to you. And you need to find out this unknown coordinate. Means, आपको जो fourth thing है, वो आपको find करनी है. कभी-कभी ये भी हो सकता है कि ये coordinate आपको given हो, ये भी given हो, ये भी given हो, तो आपसे ratio भी पूछ सकता है. Sometimes it may be happen, this coordinate has given to you, this has given to you, and this ratio has given to you. Then you need to find out this coordinate. So in every cases, what you will do, you will apply section formula. आप हमेशा section formula को ही apply करेंगे. अगर आप section formula को apply करते हैं, then easily you can find the solution. Now first of all, we will apply finding the coordinate of x abscissa. M1 x2 plus m2 x1. Formula आपको पहले लिखना पड़ेगा. इसके marks हैं. अगर हम नहीं लिखते तो marks कट जाएंगे. अगर मैं इसको m1 assume करता हूँ, then it will be your x2. It means 3 multiplied by minus 2 plus this is your M2 and this is your X1. 2 multiplied by 3 and denominator पर आप हमेशा 3 plus 2 लिखेंगे. It means 3 multiplied by minus 2 minus 6 plus 3 to just 6 and 5. It means 0 upon 5 equals to 0. Means X coordinate is 0. Now find the Y coordinate, that is M1 Y2 plus M2 Y1 M1 plus M2. M1 that is 3, Y2 7, M2 is 2 into 4 upon 3 plus 2. 7 3 is 21, 4 2 is 8, 5. 29 upon 5. This is the coordinate, means 29 upon 5. So now we have coordinate at PXY is equals to P0, 29 upon 5. तो आपने देखा है बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी पार्ट है, बस आपको समझना है कौन सी चीज गिवन है कौन सी चीज नहीं गिवन है. इस पर और कुछ क्वेश्चन देखते हैं. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं जो हमसे स्किप हो गई. दैट इज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड वी हैव वन मोर कोऑर्डिनेट x2, y2. सपोज करते हैं दिस टाइम दिस पी पॉइंट इज लाइक इन like at mid of this line segment. मान लेते हैं ये P point इस बाइन दोनों के बीच में exact mid में है, तो और M1 M2 हमें given है. जब भी कोई point P या कोई भी ऐसा point होगा जो mid में होगा, उस टाइम हमारे पास M1 ratio M2 होगा और 1:1 होगा. ये हमेशा याद रखना. क्यों? क्योंकि ये भी equal और ये भी equal है. This line segment is equal to this line segment, means this AP part is equal to this PB part. So you can say M1 ratio M2 is equal to 1:1. Now, how to find the value of x coordinate? That is, again you will apply m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. When you put value of m1 1 plus again 1 into x1 upon 1 plus 1, then you will get x1 plus x2 upon 2. इसी तरह से similarly y का coordinate होगा y1 plus y2 upon 2. So ये भी एक formula है जिसको आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहते हैं, बट इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, इसलिए इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला माना जाता है. अगर कोई पॉइंट जो है वो मिड में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जिस तरह से ये ट्रायंगल है, इसका हमें एक कोऑर्डिनेट गिवन है a 3, 2, b -3, -2 एंड c 0, 8 एंड दिस d e एंड f आर द मिड पॉइंट. D is the midpoint of AB, E is the midpoint of AC and F is the midpoint of BC. तो ये midpoint हमें given है, तो इस midpoint को कैसे निकालेंगे? वो इसी formula से हम निकालेंगे. Direct अगर find करना हो हमें D के midpoint, then हमारे पास AB का midpoint क्या है? D है. Then x1 plus x2 upon 2, यानी कि 3 minus 3 upon 2. Minus इसलिए है कि minus sign already given है and 2 minus 2 upon 2, यानी कि D के coordinate आएंगे 0, 0. तो ये हमेशा ध्यान रखना आप, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं. अब हम आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, तो ध्यान से देखिए. ओके, नाउ वी हैव वन क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला. दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल. क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. तो आप इन सारे क्वेश्चन, जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, तो आप उसे अच्छी तरह से देखें और एक-एक चीज को आप अच्छी तरह समझें. अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, देन यू कैन राइट एनी टाइप ऑफ कमेंट इन कमेंट बॉक्स.
ठीक है, तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से देखने हैं, तभी आप इसमें अच्छी तरह से इस क्वेश्चन पार्ट को कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आपको ये आना ही चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए वेरी इजीएस्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको इन सब पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को करने से पहले आप एक डायग्राम ड्रॉ करें, जो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके लिए। अब तीन पार्ट के अंदर इसको डिवाइड करना है। ऑलरेडी गिवन टू अस ट्राई सेक्शन, फर्स्ट पार्ट इज एपी, सेकंड पार्ट इज पीक्यू एंड थर्ड पार्ट इज क्यूबी। नाउ वी कैन सी थ्री पार्ट, एपी दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट एंड दिस इज आवर थर्ड पार्ट। ट्राई सेक्शन का मीनिंग होता है तीनों पार्ट जो है वो इक्वल इक्वल है, तो ये 1:1:1। तो 1:1:1 में हमने क्या है कि तीन दो पॉइंट्स ले P, Q, P के कोऑर्डिनेट हम लेते हैं x, y और Q के कोऑर्डिनेट लेते हैं हम स्मॉल a, स्मॉल b। अब हमें ये P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। बहुत इजी सा तरीका है, ध्यान से समझिए। हम क्या करते हैं, वापस से हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, बिकॉज यहां पर सेक्शन लिखा हुआ आगे, बट देन वी विल अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। बट हाउ वी विल अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, बिकॉज अभी तक तो जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें क्या पॉइंट एक ही पॉइंट था और उसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने थे, बट दिस टाइम वी हैव टू कोऑर्डिनेट एंड वी नीड टू फाइंड देम। सो हाउ टू फाइंड देम, वी विल रब दिस कोऑर्डिनेट। जैसे ही हमने इस कोऑर्डिनेट को इरेज कर दिया यहां से, तो ये तो 1 है ही, ये कंप्लीट कितना हो गया 1 और 1 मिलकर के 2 हो गया। वापस से पहले जैसा ही क्वेश्चन बन गया कि P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको, 1:2 में डिवाइड किया हुआ है। P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P x comma y that is equals to P m1 x2, this is your m1, this is your x2, 1 multiplied by -7 plus this is your m2 and x1, 2 multiplied by 2 upon m1 plus m2 and m1 plus 2 comma m1 by 2 यानी कि 1 multiplied by 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2। सो p माइनस 7 प्लस 4 अपॉन 3, 4 माइनस 4 अपॉन 3, माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3 अपॉन 3 एंड कॉमा 0, इट मींस p कोऑर्डिनेट इज -1, 0। सो नाउ वी हैव वन मोर कोऑर्डिनेट p, वैल्यू ऑफ p कोऑर्डिनेट इज -1, 0। ये हमारे लिए कोऑर्डिनेट्स आ गया। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो क्यू हमारे पास था उसको कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास पी कोऑर्डिनेट आ चुका था जो -1, 0 है। यहां पर एक क्यू कोऑर्डिनेट था जिसको आप हमने a कोमा b माना था। अब हम क्या करते हैं, 1:1:1, इट मींस दिस q पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ pb। हमारे पास जो q पॉइंट है वो इस pb का क्या है, मिड पॉइंट है। तो सिंपल हमारे पास एक फार्मूला है मिड पॉइंट का, हम क्या करेंगे, q a कोमा b दैट इज इक्वल्स टू q x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2। नाउ दिस टाइम x1 इज -1 एंड x2 इज -7। Q x1 minus 1 minus 7 upon 2 comma y1 is 0 and y2 is 4 upon 2. It means Q minus 8 upon 2 and 4 upon 2. Value of Q is minus 4 and 2. So this is the coordinate of point Q. So now how you can easily find the value of P and Q if we have given trisection. Similarly, अब इस तरह से ये आता है कि यही जो AB coordinate है, this AB coordinate A and B coordinate is joining the points of A and B coordinates divided by other coordinates 4 equal part, then we can assume P, Q and R. Now we have 4 equal part, और इस equal part के अंदर हमें अगर इस P, P के Q और R के coordinate निकालने हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? Q, Q is the midpoint of AB. ये Q जो है वो AB का मिडपॉइंट आया, क्योंकि 2:2 हो गया। Q आने के बाद P इज द मिडपॉइंट ऑफ AQ, क्योंकि AQ का मिडपॉइंट P है, एंड
एंड क्यूब भी कमिट पर आ रहा है तो इजीली यू कैन फाइंड, इजीली फाइंड आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है जो आप अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी हैव वन मोर एग्जांपल, दैट इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमें इसका रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालते हैं, और मैंने आपको पहले कहा था कि आपको थ्री थिंग्स गिवन होगी, लेकिन यहाँ पर दो ही चीज गिवन है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कहा हुआ है, इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। मैं पहले इसको डायग्राम से समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास डायग्राम है, माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, दिस इज आवर ओरिजिन। थ्री कॉमा माइनस थ्री, थ्री यहाँ पर होगा, माइनस थ्री यहाँ पर होगा, एंड थ्री कॉमा माइनस थ्री ए कोऑर्डिनेट, एंड सेकंड इज माइनस टू कॉमा सेवन, माइनस टू यहाँ होगा, सेवन यहाँ पे होगा सेकंड कोऑर्डिनेट में। इसको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमें एक्स एक्सिस की बात कहें तो हम क्या करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए एक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस है इस पर हमेशा किसकी वैल्यू जीरो होती है, वाई की। x एक्सिस पे ऑलवेज y इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे, अज्यूम करते हैं लेट दिस कोऑर्डिनेट p इज x, 0 x, 0 हमने इसको अज्यूम कर लिया। क्यों? क्योंकि y x एक्सिस पे हमेशा y 0 ही होगा, और x एक्सिस पे x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो हमें फाइंड करनी है, सो वी आर अज्यूमिंग दैट इज x। और सिमिलरली y एक्सिस की बात करें, ये y एक्सिस है, तो इस y एक्सिस की बात करते हैं, तो यहां पे x की वैल्यू हमेशा 0 होगी, और y की कोई हम मान लेते हैं y, इसको q पॉइंट मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके रेशियो निकालते हैं कि किस तरह से इसके रेशियो है और रेशियो किस तरह से आएंगे, ध्यान समझिएगा। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे, पहले मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूं, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, तो आपको देखा होगा कि ये पॉइंट एक लाइन सेगमेंट आ गई आपके पास AB, दिस इज AB लाइन सेगमेंट, और ये एक पॉइंट P है जो x, 0 जिसकी जो हमें x, 0 गिवन है, ये m1 रेशियो m2 में इसको डिवाइड करता है। अब हम इजीली इस वैल्यू को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, आप x वाली चीज ना लेंगे, आप y वाले कोऑर्डिनेट लेंगे, इस बार y इज इक्वल टू होता है m1 y2 plus m2 y1 अपॉन m1 plus m2। y यहां पर क्या है, 0, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट पता है 0, m1 आपके पास मालूम नहीं है, y2 इज माइनस 3, m2 पता नहीं है, एंड y1 इज 7, देन m1 प्लस m2। जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये 0 में चला जाएगा, 0 इक्वल्स टू माइनस 3m1 प्लस 7m2, इसको यहां भेजते हैं, 3m1 इक्वल्स टू 7m2, एंड m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 7 रेशियो 3। So now we have ratios m1 upon m2 is equals to 7 ratio 3. So this is our required answer. Also we can say m1 ratio m2 is equals to 7 ratio 3. So ये हमारे पास easily value आ गई है m1 और m2 ratio में। ये standard formula है, इसको आप standard method भी है, इसको आप याद रखें क्योंकि ये आगे length में भी काम आता है। कभी-कभी इसका एक दूसरा method भी है, वो भी apply करते हैं, वो किस तरह से करते हैं ध्यान से समझेगा। Same इसी question को हमारा answer 7 ratio 3 है, और इसी वापस से यही आंसर लेके आते हैं, लेकिन सेकंड मेथड से अगर आप चाहे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, गलत नहीं वो भी सही, बट मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप ये फॉर्मूला अप्लाई रखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। चलो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप पॉज करके। उसको करने के लिए हम क्या मानते हैं, एम वन की जगह तो मानते हैं के, और एम टू की जगह मानते हैं वन। सबसे पहले आप लिखोगे लेट रिक्वायर्ड रेशियो बी k रेशियो 1। अब इसको कैसे करेंगे, वापस से वही y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, y is 0, now this time m1 is k, k x2 is sorry m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, now m1 is k, y2 is minus 3, m2 is 1 and y1 is 7 and m1 plus m2, again this will go in 0, 0 is equals to minus 3k plus 7,
it means 3k equals to 7. 3k is equals to 7, k equals to 7 upon 3. It means k ratio 1 is equals to 7 ratio 3. वही आंसर आएगा जो हमारे पास पहले आया है. अब आप y एक्सिस का भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. y एक्सिस की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट इसको 0 y इसको y एक्सिस में 0 y मान लेना, इजीली यू कैन फाइंड रेशियो, यही आना है, कोई दिक्कत नहीं है. सेकंड थिंग, अब कभी-कभी ये भी कहा जाता है कि इस कोऑर्डिनेट को भी फाइंड करिए. इस कोऑर्डिनेट को भी कैसे निकालते हैं वो भी ध्यान से समझिए. अब कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमारे पास रेशियो आ गया, इट मींस k इज इक्वल्स टू 7 और यहां पे इसकी जगह आ जाएगा 3. तो आप इसको किस तरह से m1 और m2 हमारे पास वैल्यू गिवन है, x निकालना है, x इक्वल्स टू m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. नाउ m1 इज 7, x2 इज 3, m2 इज 3 एंड minus 2 upon 7 plus 3. It means 21 minus 6 upon 10, 15 upon 10, 3 upon 2. So value of x is equals to 3 upon 2. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है. दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, सो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. सो उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए. सो गाइस, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है. यहाँ आपको गिवन है एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम. एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और इसके चारों वर्टेक्स आपको गिवन है. ए माइनस टू कोमा माइनस वन, b 1,0, c x, 3 and d 1,y. ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आते हैं, क्योंकि इसमें ये कहा हुआ है कि x टू y की वैल्यू फाइंड करिए. वैल्यू ऑफ x एंड y ये हमें फाइंड करनी है. अब ये पैरेललोग्राम है तो बच्चों के दिमाग में, स्टूडेंट्स के माइंड में एक ही चीज आती है कि पैरेललोग्राम है सो ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो वो ए बी और डी सी निकालते हैं और ए डी एंड बी सी निकालते हैं. इससे उनका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्या है लेंथी हो जाता है और आंसर भी नहीं आता है. सो फाइंडिंग योर आंसर व्हाट यू विल डू, वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, अब इसके अंदर क्या है, आप एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, देयर हैज नो रोल ऑफ एंगल. यू विल अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ साइड्स, बट हियर विद द हेल्प ऑफ साइड वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. सो व्हाट विल वी डू, वी विल ड्रॉ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ए सी एंड बी डी एंड दिस इज आवर ओ पॉइंट. यहाँ हम देख सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, तो हम इसी का यूज करेंगे. कहने का मीनिंग ये है कि AC का मिड पॉइंट O है, इट मींस OA है वो OC के इक्वल है एंड OP है वो OD के इक्वल है. मींस O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एज वेल एज O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. तो हम क्या करते हैं कि O मिड पॉइंट है AC का, तो हम इसके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं. यहां लिखेंगे हम O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. So, O x comma y is equals to y formula apply करेंगे mid point का x1 plus x2. It means minus 2 plus x upon 2 comma minus 1 plus 3 upon 2. ये हमारे पास equation number 1 बन गई. Similarly, O is the mid point of BD. So, इसके coordinate कैसे निकालेंगे हम? O x comma y is equals to 1 plus 1 upon 2 comma 0 plus y upon 2. This is equation number 2nd. अब AC के according तो O के midpoint ये होना coordinate ये होना चाहिए and BD के according O के coordinate ये होने चाहिए. तो इस इट में से दोनों आपस में equal हैं, तो हम दोनों को compare करते हैं. Compare करने के लिए हम क्या करते हैं, x के कोऑर्डिनेट को x से कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स. इट मीन ये x का कोऑर्डिनेट है माइनस टू प्लस एक्स अपॉन टू इक्वल्स टू वन प्लस वन अपॉन टू, टू एंड टू कैंसिल, माइनस टू प्लस एक्स इक्वल्स टू टू, एक्स इक्वल्स टू टू प्लस टू यानी एक्स इक्वल्स टू फोर आ गया. y के कोऑर्डिनेट कंपेयर करते हैं, y के कोऑर्डिनेट कंपेयर करने के लिए मैं इसे मिटा देता हूं, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा. माइनस वन प्लस थ्री अपॉन टू इक्वल्स टू
y upon 2, 2 से 2 cancel, y is equals to 2. So the value of x and y is 4 and 2. It means value of x is 4 and y is 2. अब आप अगर आपको लगे कि आंसर गलत है तो आप इनका मिडपॉइंट निकाल के देख लीजिएगा. AC का जो AC का मिडपॉइंट आएगा वही BD का मिडपॉइंट आएगा. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. कभी-कभी ये जो यहां x की वैल्यू आपको गिवन होगी जैसे 4.3 आपको गिवन है और आपसे ये पूछा जाएगा कि फोर्थ वर्टेक्स कौन सा है तो आपको इसको x y मानना पड़ेगा. और उस क्वेश्चन को भी जो क्वेश्चन ये वाला है उसको भी आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा. बहुत इजी क्वेश्चन है, दो नंबर में आता है, तीन में भी आ जाता है कभी-कभी, लेकिन ये आना ही चाहिए. समटाइम्स एक कोऑर्डिनेट को क्या है कि स्किप करके आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करेंगे आप, वो भी इसी की हेल्प से करेंगे. आगे आपकी जब एक्सरसाइज आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा. दिस इज द पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी, तो आप इसको अच्छी तरह से आपको ये आना ही चाहिए. सो गाइस आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये भी आपके एनसीईआरटी का ही है तो इसको भी ध्यान से समझिएगा. इफ ए एंड बी आर टू पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट -2, -2 एंड 2, -4, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट एपी इज इक्वल टू 3/7 AP. ये आपको गिवन है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए जब ए गिवन है -2, -2 एंड बी इज गिवन -2, -4. पी पॉइंट यहां पर होगा जो यहां ए के पास में होगा क्योंकि एपी इज इक्वल टू 3/7 AP. अब हमें पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बट हमारे पास क्या रेशियो नहीं है, तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा. वी कैन राइट एपी दैट इज इक्वल टू एपी प्लस पीबी. इस एपी और पीबी का जब हम एडिशन करेंगे तो हमें ये कंप्लीट एपी मिल जाएगी. नाउ एपी, एपी आप ऐसे रखना, एपी की जगह आप 3/7 AP लिख सकते हैं और पीपी आप ऐसे ही रख देना. अब इसको आप यहां लेके आते हैं, देन एपी माइनस 3/7 AP इज इक्वल्स टू पीपी. एलसीएम लेंगे देन 7 AP माइनस 3 AP/7 इज इक्वल्स टू पीपी. इट मींस 4 AP/7 इज इक्वल्स टू पीपी. ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगी. ये इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. जब डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से देन एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू 3/7 AP एंड 4/7 AP. एपी 7 कैंसिल हो जाएंगे, इट मींस 3/4. इट मींस एपी अपॉन पीबी, एपी और पीबी का रेशियो 3/4 आ गया. 3 AP/PB इज इक्वल टू 3/4. इट मींस ये 3 और ये 4. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2. आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. कभी कभी टीचर क्या है डायरेक्ट ही करवा देता है क्योंकि ये 3/7 है तो ये 4/7 ही होगा, दोनों को मिला के 7/7. बट ये गलत मेथड है क्योंकि आप 10th बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं. डायरेक्ट करिए, गलत नहीं है, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे जितने आप चाहते हैं. तो इसको पूरा आपको करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि एपी रेशियो पीबी कैसे आया, किस तरह से आया. ये एपी रेशियो पीबी 3/4 आ गया जो m1 और m2 की वैल्यू है. नाउ यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला. सो गाइस ये हमारे आज का टॉपिक था सेक्शन फार्मूला. अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले. सेकंड थिंग, आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा जो हमारे चैप्टर के बाद में आपको एक वीडियो के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, जो बोर्ड के पेपर में अच्छी तरह से आते भी है, बहुत बार आए भी है. तो कनेक्ट रहिएगा जो सबसे ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है. सो टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे.